हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, यदि आपने एसएससी एमटीएस 2019 के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। आप एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं और डेट चेक कर सकते हैं किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। चलिए, आप किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करें घंटी बजा करके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना होगा fastjobsearch.com, या फिर आप डायरेक्ट एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप एडमिट कार्ड सेक्शन में चले आइए, एसएससी एमटीएस 2019। यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड, जहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर सेंट्रल रीजन का अपडेट हुआ है, अदर रीजन का भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम सेंट्रल रीजन से हैं, क्लिक कर लेते हैं। आपका कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, यहाँ पर आप तीन टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर कहाँ है वो मालूम नहीं है। चलिए हम फिलअप कर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिलअप कर लिया है नेम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिया है। और यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन में आपको 9+1 का वैल्यू 10 होता है, तो 10 आपको फिलअप करना है और सर्च पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नहीं आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि हुआ है। चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल सही सही भरिए, और हम फिर से सही सही भर चुके हैं। फिर से आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर दिखाएगा कि कहाँ पर हुआ है, पूर्णिया में हुआ है। और एग्ज़ाम जो है देख सकते हैं 20 अगस्त को है एग्ज़ाम, 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगा, और यह सेकेंड टाइम होगा या फिर फर्स्ट टाइम 12 बजे, 12:30 बजे से 2 बजे तक चलेगा। और पूर्णिया सेंटर दिया है, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर्म को। और इसका फिर से एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके आपको जो है एग्ज़ाम देने जाना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ बता दें इसमें कि 13/8/2019 को इसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा, तो आप उसे केवल जानकारी जो है इससे केवल आप केवल जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो दीजिएगा वो 13 अगस्त को आपको डाउनलोड करना है, तो दोस्तों आप भी डाउनलोड कर लीजिए।